फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रस टेंटोबर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन लेट बिगिन फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी का पॉलिटी का पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट्स वीटो पावर कोई भी बिल बनता है बिल एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट वहाँ पे साइन कर देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कुछ सेफ दिए हैं कि प्रेसिडेंट को सर्टेन मैटर्स में वीटो पावर भी मिली हुई है पहला द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इधर साइन ऑफ और विद होल्ड हिज कंसेंट ऑन अ बिल अंडर आर्टिकल वन 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 ट्रिपल वन तो क्या वीटो आर्टिकल ट्रिपल वन में है द प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज सस्पेंसिव वीटो इन रिलेशन टू मनी बिल Suspensive veto मतलब प्रेसिडेंट ने बोला इसको फिर से सोच विचार करके वापस लाओ सस्पेंड कर दिया है सस्पेंसिव वीटो जब constitutional amendment bill है तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं होगी द बिल इज कैप्ट पेंडिंग बाय द प्रेसिडेंट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड बाय एक्सरसाइजिंग वीटो So, आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा पहला जो ऑप्शन है उसमें आर्टिकल 111 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट को विटो पावर है प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज इज वीटो इन रिलेशन टू मनी बिल तो जब मनी बिल का होता है तो प्रेसिडेंट उसको रिकंसिडर करने के लिए वापस नहीं भेज सकते बिकॉज मनी बिल आता ही प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट के हैं प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज एनी वीटो पॉवर इन रिलेशन टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल दिस इज एप्सोलूटली ट्रू जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये गलत है द बिल इज कैप्ड पेंडिंग ऐसा हो सकता है वो होता है पॉकेट वीटो में ना कि एप्सोल्यूट वीटो में एप्सोल्यूट वीटो में बोलना होता है यस और नो पॉकेट वीटो में कोई डिसीजन नहीं लेना है और इंडियन प्रेसिडेंट की पॉकेट वीटो है वो इनडेफिनेट है्यूज है इनडेफिनेट टाइम तक वो बिल को पेंडिंग रख सकते हैं द राइट आंसर हिस्स इज डी बिकॉज पूछा क्या गया था नॉट करेक्ट ओके नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द समनिंग ऑफ पार्लियामेंट इज स्पेसिफाइड इन आर्टिकल एटी फाइव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल एटी फाइव में प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट को समन कर सकते हैं थ्री कंपलसरी पार्लियामेंट सेटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम सेशन होने चाहिए बजट सेशन होता है फिर उसके बाद मॉनसून सेशन होता है फिर एक विंटर सेशन होता है ऐसे तीन सेशंस होते हैं साल भर में तो थ्री कंपल्सरी पार्लियामेंट सेशन और इनके बीच में छह महीने से ज्यादा का गैप भी नहीं होना चाहिए बट क्या ये मैंडेटेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कि तीन ही सेशन लेने है नो दिस इज नॉट मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन सो दिस इज रॉन्ग बट दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्यूटली ट्रू सो द राइट ऑप्शन हियर इज ए वन ओनली ये सही है ये गलत है पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तीन सेशन लेने बस छह महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना है ये ट्राई करना है। तो यहां पूछा था, करेक्ट, ओके। दिस क्वेश्चन। गवर्नमेंट बोरो उधार लेना है गवर्नमेंट को बोरो करना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स सेवेंथ शेड्यूल गिव्स पावर्स ऑफ रेजिंग फॉरन लोन्स टू बोथ सेंटर एंड स्टेट मतलब उधार चाहिए उधार के लिए आप लोन लोगे सेंटर भी ले सकता है स्टेट भी ले सकता है फॉरेन लोन और ये सेवेंथ शेड्यूल में, में मेंशन है स्टेट गवर्नमेंट्स नीड टू ऑपटेन द कंसेंट ऑफ द सेंटर फॉर रेजिंग फ्रेश लोन्स अब सी ये थोड़ा लॉजिकल लग रहा है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है ना वो वैसे भी फिजिकल स्पेस में इतनी इंडिपेंडेंट होती नहीं है ऑल दो आर्टिकल टू है बट एक बार सेंटर से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी कंसेंट लेना पड़ेगा फ्रेश लोन्स उठाने के लिए तो दिस लुक्स करेक्ट बट यहाँ लिखा था सेवेंथ शेड्यूल सेवेंथ शेड्यूल में तो सब्जेक्ट्स है कि यूनियन लिस्ट क्या है सेंट्रल स्टेट लिस्ट क्या है कॉन्करेंट लिस्ट क्या है दिस इज नॉट अबाउट फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड स्पेशली रेजिंग फॉरन लोन्स ये आर्टिकल टू में थोड़ा मैंशन है कि कैसे लोन्स या फिर फाइनेंशियल स्टेट के पास क्या पावर होगा बट सेवेंथ में तो बिल्कुल भी नहीं है सो द राइट आंसर इज बी टू ओके नेक्स्ट विद रेफरेंस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द सीवीसी वॉज सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द के सांथनम कमिटी के सांथनम कमिटी द सीवीसी इज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अंडर द यूनियन होम मिनिस्ट्री सो यू हैव टू टेल कि ये करेक्ट क्या है ये विजिलेंस है

बट हमें ना क्वेश्चन का सेंस देखना चाहिए कि वो एक्चुअली पूछना क्या चाहता है या ऑब्वियसली ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट है या नहीं है ये पूछना चाहता है कि प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंटली या नॉट तो ये भी ध्यान रखना है कि वो किस डायरेक्शन में क्या कॉन्सेप्ट पॉलिटी का पूछना चाहता है सो दिस द क्वेश्चन वॉन्ट्स टू नो कि प्रेसिडेंट कैन नॉट एक्सरसाइज हिज पावर ऑफ पार्डन इंडिपेंडेंट ऑफ़ द गवर्नमेंट मतलब कि कॉम द स्कोप ऑफ द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज वाइडर देन दैट ऑफ द गवर्नर सो यू हैव टू टेल इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है तो जो पहला स्टेटमेंट है वो ट्रू है प्रेसिडेंट जो मर्सी होती है ना प्रेसिडेंट की मर्सी कोई प्रेसिडेंट का इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होता है प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेते हैं जो कॉम उन्हें रिकमेंड करती है तो मतलब डिपेंडेंट है वो गवर्नमेंट पे इंडिपेंडेंट नहीं है तो दिस इज रॉन्ग तो दिस इज ट्रू कैन नॉट लिखा था यहाँ पे कैन नॉट एक्सरसाइज इज पावर तो ट्रू स्कोप ऑफ पार्डनिंग ऑफ प्रेसिडेंट थोड़ा वाइडर होता है बिकॉज प्रेसिडेंट क्या है मिलिट्री सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे भी आ जाएगा और जो डेथ पेनल्टी है उसको भी ये पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं कर सकते गवर्नर डेथ पेनल्टी को और किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बट पार्डन नहीं कर सकते सो दीज टू आर एक्सक्लूसिव टू प्रेसिडेंट सो प्रेसिडेंट की जो पावर है वो वाइडर है देन गवर्नर करेक्ट so है सो दिस कंप्लीट्स हैं ज्योग्राफी में ज्योग्राफी का पहला सवाल है रिवर्स पे हर साल रिवर का एक सवाल आना है तो आना है और वो सवाल ज्योग्राफी एनसीआरटी की जो इंडियन इंडियन ज्योग्राफी है उसका रिवर जो चैप्टर है ड्रेनेज सिस्टम उससे हर सवाल करेक्ट हो रहा है सो so उस चैप्टर को बहुत अच्छे से देखना है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दीस्ता रिवर तीसरा रिवर इट ओर नेपाल एंटर हिमालयित रिजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दीस्ता रिवर इधर जा रही है तो से जो मिलेगा वो राइट बैंक इधर से मिलेगा वो लेफ्ट बैंक रंगित जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीसता रिवर की तीसता रिवर ड्रेन इन टू रिवर पदमा इन बांग्लादेश नाउ यू है से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है सी ये जो तीस्ता है ना ये हिमालयन ओरिजिन है बट ये सिक्किम हिमालय से ही ओरिजिन हो रही है दिस इज नॉट इन नेपाल सो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया रंगित रिवर है ये मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है तीस्ता रिवर की दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू तीस्ता रिवर ड्रेन करती है ट्रिब्यूट देती है अपना पानी पदमा में नहीं रिवर पदमा तो क्या होगा कि गंगा है वो बांग्लादेश चली गई और यहाँ पे हुगली इधर आ गई ये रिवर देगी जमुना में जमुना मतलब ब्रह्मपुत्रा जो यहां पे आ रही है उसमें होगा सो द राइट आंसर हियर इज बी दैट इज टू ओनली ये केवल ट्रू है ये गलत है और ये भी गलत है ओके नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये बर्ड साल भर न्यूज में रही है और इसको न्यूज पेपर में हमने बहुत डिटेल में कवर किया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड

तो जो स्पीशीज़ है वो शेड्यूल वन में लिस्टेड है शेड्यूल वन में लिस्टेड है मतलब इसको सेम लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिला है जो प्रोटेक्शन मिला है टाइगर को बिकॉज टाइगर भी शेड्यूल वन में है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आयु सी एन रेड लिस्ट में दिस इज ऑल्सो ट्रू ये लिस्टेड है अपेंडिक्स वन ऑफ कन्वेंशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज बिकॉज जो बर्ड्स एनिमल्स होते हैं ये नेशनल बाउंड्रीज थोड़ी जानते हैं ये तो घूमते रहते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन भी होता है तो ये कवर्ड है अपेंडिक्स वन में कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज में पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है बिकॉज ये जो न्यूज है हमने साल भर है गुजरात राजस्थान यहां पे देखा है तो दिस इज नॉट एंडेमिक टू द वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया सो द राइट आंसर हियर इज सी टू थ्री फोर नेक्स्ट ये बात है मैत्री सेतु का प्राइम मिनिस्टर ने इसको कुछ ही टाइम पहले इनोग्रेट किया था हैज बिन बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर संकोश रिवर फेनी रिवर मानस रिवर कामेंग रिवर ये जो कामेंग है ना ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी सवाल आया था कामेंग मानस फेनी संकोश तो यू हैव टू टेल कि ये मैत्री सेतु किस रिवर पे बना हुआ है तो ये जो है ये है फेनी रिवर फेनी रिवर कहाँ है त्रिपुरा में है सो द राइट आंसर इज बी ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉम है जो ओरिजिनेट होता है मेडिटेरेनियन रीजन में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉम एक साइक्लोन्स होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आज ही न्यूज में पढ़ा और ये होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉम ओरिजिनेट इन द मेडिटेरेनियन रीजन इट इज एसोसिएटेड विद रेनफॉल स्नोफॉल फॉग इन नॉर्दर्न इंडिया रेनफॉल स्नोफॉल फॉग इन नॉर्दर्न इंडिया इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द खारिफ क्रॉप इन द नॉर्दर्न सब कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न मतलब ये मोस्टली दिस इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है इट ट्रेवल्स फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न डायरेक्शन ऑन हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जेट स्ट्रीम्स क्या होती है जैसे अर्थ है हाई एल्टीट्यूड ऊंचाई पर गारलैंड की तरह ऐसे कवर करके रखा हुआ है तो ये वेस्ट टू ईस्ट आता है वेस्ट टू ईस्ट की तरफ ऐसे बढ़ता है मेडिटेरेनियन भी वेस्ट में है तो उधर से ऐसे ईस्ट इंडिया की तरफ आएगा तिब्बतन वगैरह हाईलैंड मिलेगा तो यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट में बारिश हो जाएगी तो यू हैव टू टेल करेक्ट क्या होगा सी ये जो है ये एब्सोल्युटली ट्रू है वेस्टर्न टू द ईस्टर्न डायरेक्शन ऑन हाई एल्टीट्यूड वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम में हो रहा है दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म भी है तो ये भी ट्रू है ये नॉर्दर्न इंडिया में रेनफॉल होता है स्नोफॉल होता है फॉग आता है और ये फसल के लिए काफी हेल्पफुल भी माना जाता है अगर टाइमली आ रहा है और लिमिटेड जितना रिक्वायरमेंट है उतना है तो दिस इज हेल्पफुल एट टाइम्स प्रॉब्लम ये है कि ये खरीफ क्रॉप नहीं होती ये होती है विंटर विंटर मतलब राबी क्रॉप दिस इज नॉट खरीफ क्रॉप खरीफ क्रॉप होती है जैसे राइस राइस मतलब पानी वाला सीजन मानसून राबी मतलब विंटर मतलब वीट तो दिस इज नॉट खरीफ दिस इज राबी सीजन सो सी इज रॉन्ग सो द राइट आंसर इज सी बिकॉज नॉट करेक्ट यहाँ पे पूछा था ओके okay? दिस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओमान इट्स लैंड बॉर्डर विद यू यूनाइटेड अरब एमरेट्स यमन एंड सऊदी अरेबिया ओनली। तो केवल इन तीन कंट्री से वो बॉर्डर शेयर कर रहा है ओमानज अल इज द आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान तो अल नज इज द आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ओमान सो आपको बताना है इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या है ओके okay. तो इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका आंसर होगा डी डी मतलब नीदर वन नॉर टू यहां पूछा गया था नॉट करेक्ट क्या है तो नॉट करेक्ट पर ये तो करेक्ट है ये भी करेक्ट है तो नीदर वन नॉर टू ये स्टेटमेंट ये स्टेटमेंट दोनों ही यहां पे जो नॉट करेक्ट पूछा था तो दिस इज नीदर वन नॉर टू बिकॉज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट ओके तो नॉट करेक्ट में क्या ऑप्शन हो जाएगा नीदर वन नॉर टू क्योंकि ये दोनों करेक्ट है ये देखिए ये ओमान है सऊदी के साथ बॉर्डर शेयर है इधर यूएई के साथ बॉर्डर शेयर है और नीचे यहां पे यमन के साथ बॉर्डर शेयर है यमन क्राइसिस एंड दिस इज ओमान दिस इज ओमान ओके फिर यहां स्ट्रेट ऑफ हॉमस आ जाएगा पर्शियन गल्फ और ये गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पे अरेबियन सी है ओके सो दिस कंप्लीट्स जोग्राफी अब जो नेक्स्ट है वो है हिस्ट्री हिस्ट्री में हम अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बामिया विलेज बामियान वैली ऑफ अफगानिस्तान ये एक जो टाइम था ना ये पूरा कांधार वगैरह ये तक्षशिला जो महाजनपद था वो सब दिस एरिया को बिलोंग करता था तो यहाँ पे बुद्धिज्म का भी बहुत स्प्रेड था वंस अपॉन अ टाइम द एरिया कंटेन्स न्यूमरस बुद्धिस्ट मोनास्टिक एनसेम्बल्स एंड सेंचुरीज

ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है सो द राइट आंसर हियर इज सी सी बोथ वन एंड टू ओके दिस विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट वॉज लाला लाजपत राय जी एसोसिएटेड लाला लाजपत राय जी इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड थे सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी यस हिंदू रिलीफ मूवमेंट यस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यस ये जो ट्रेड यूनियन का दौर था ना 1920 का जैसे ही दिस रशियन रिवॉल्यूशन हुआ 17 18 तो जो 1920s है ना ये पूरा टाइम जाएगा दिस यूनियन एंड सोशलिज्म एटसेट्रा में तो यस ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और आप हिंदू महासभा से भी एसोसिएटेड थे सो द राइट आंसर ईयर इज द राइट आंसर ईयर इज डी ये सबके सब ट्रू सब है ओके okay? नेक्स्ट विद रेफरेंस टू पद्म अवॉर्ड्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये पद्म अवार्ड हर साल अनाउंस करते हैं जो एग्जैम्पलरी सर्विसेज दे रहे हैं सोसाइटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन एटसेट्रा उनको पद्म अवॉर्ड दिए जाते हैं ऑनर किया जाता है पद्म भूषण इज द हाईएसट इन द हायर आयरकी ऑफ पद्म अवार्ड अब इसकी भी हायर आयरकी होती है तो इज इट ट्रू पद्म अवार्ड कमिटी कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर इस कमिटी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन करता है प्राइम मिनिस्टर और हर साल जो पद्म अवार्ड ये जो पद्म अवार्ड है ना पिछले कुछ टाइम से इसमें काफी नए नए और रिस्पॉन्सिबल और जो नाम आ रहे हैं ना काफी अच्छे यूनिक जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया है वो उठ के बाहर आ रहे हैं ऑर्डिनरी पीपल तो ये भी काफी ज्यादा अभी न्यूज में है पद्म अवॉर्ड जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है बिकॉज दिस इज नॉट पद्म भूषण दिस इज पद्म विभूषण विभूषण हाइस्ट होती है भूषण नहीं और ये एब्सोलुटली ट्रू है सो द राइट आंसर हियर इज बी Right केवल ये ये है, है। गलत थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन द मराठाज एंड इन्वेडिंग आर्मीज ऑफ अफगान जनरल अहमद शाह अब्दाली तो ये जैसे जोन जो हमने पढ़ा यहाँ पे ये इन्वेडर्स ज्यादा थे इंडिया बिकॉज यूज टू बी अ वेरी प्रोस्परस जोन ऐसा so ही एक नाम था अहमद शाह अब्दाली तो ये अफगान जनरल थे इन्वेड़, इन्वेड़ इन्वेड़ और तब हुई दिस बैटल अमंग की इन द बैटल महाराजा सूरजमल आफ्टर द बैटल ऑफ द मराठा इस बैटल ऑफ पानीपत के बाद मराठा इस बैटल को हार गए द मराठाज लॉस द्री एमेंट पोजिशन इन नॉर्थ इंडिया विच अल्टीमेटली पेव द वे फॉर ब्रिटिश कोलोनियल पावर टू टेक ओवर तो ऐसी कुछ इवेंट्स हुई हैं हिस्ट्री में अगर उसका डिसीजन चेंज होता ना तो इंडिया की हिस्ट्री भी डिफरेंट होती जैसे कि कल हमने प्लासी का बैटल देखा और दिस देन बैटल ऑफ बक्सर देखा तो सेम इज विद बैटल ऑफ पानीपत पानीपत बैटल मराठा हारते से ही ब्रिटिशर्स के लिए पूरा फील्ड ओपन हो गया मुगल्स तो वैसे ही रिट्रीव कर रहे थे ब्रिटिशर्स ने पूरा टेक ओवर करना स्टार्ट कर दिया इंडिया को

उंसिल वॉज विद लोकल रिप्रेजेंटेशन फॉर के लिए ओपन नहीं थे ओपन हो गई सिविल सर्विस इंडियन सो इसमें करेक्ट क्या है ये जो एटीन फिफ्टी थ्री है ना ये एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट नहीं है एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट तब होगा जब विद्रो 1857 का, इसके बाद एटीन फिफ्टी एट में जो आएगा वो बोलेगा एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट नॉट दिस सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग लेजिस्लेटिव काउंसिल ओपन हुई थी और सिविल सर्विसेस को भी ओपन किया गया था इंडियंस के लिए सो द राइट आंसर इज दिस एंड दिस दिस इज रॉन्ग सो टू एंड थ्री ओके सो दिस कंप्लीट्स हिस्ट्री अब हम आते हैं इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स का जो पहला सवाल है वो है बैड बैंक के बारे में बैड बैंक बैड बैड बॉय द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर आर बैंकिंग फेसिंग बैलेंस शीट प्रॉब्लम तो जो बैंक बैड परफॉर्म कर रहा है उसको बोल दिया जाएगा कि ये बैड बैंक है द बैंक आर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्व इन लैंडिंग एंड टेकिंग डिपॉजिट्स तो ये जो बैंक हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि वो लैंडिंग उधार या उधार भी नहीं देंगे टेकिंग डिपॉजिट्स वगैरह नहीं करेंगे ये दोनों काम बैड बैंक को नहीं करेंगे बिकॉज दे आर बैड बैंक तो इज इट ट्रू इज इट ट्रू द राइट आंसर हियर इज आपको बताना था करेक्ट ये जो बैड बैंक है ना ये बैंक बैड नहीं है ये बैंक बैड लोन्स एन और नॉन परफॉर्मिंग जो भी चीज है उनसे लड़ने के लिए ये बैड बैंक है तो इन बैड चीजों से लड़ने के लिए बैड बैंक बनाए इसका काम ही है बैड एसेट्स को डील करना सो दैट इज बैड बैंक दीज आर बैंकिंग बैलेंस शीट प्रॉब्लम ये नहीं फेस कर रहे हैं ये जो फेस कर रहे हैं उनके रेस्क्यू के लिए आएगा बैड बैंक सो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज ट्रू सो द राइट आंसर यर इज बी ये रिस्ट्रिक्टेड है इनको लैंडिंग और टेकिंग डिपॉजिट में इन्वॉल्व नहीं होना है इनका बस एक ही काम है जो बैड लोन्स बैड एसेट्स वगैरह है उसको डील करो इसमें इनकी एक्सपर्टीज़ है सो द राइट आंसर इज बी अब ये है रिकवरी जैसे इकोनॉमी में हम अक्सर बोल रहे हैं वी शेप्ड रिकवरी जेड शेप्ड रिकवरी के शेप्ड रिकवरी तो यू हैव टू टेल दिस आंसर स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है बताइए जेड शेप्ड रिकवरी में इकोनॉमिक डिसरप्शन लास्ट फॉर अ स्मॉल पीरियड वेर इन मोर देन पीपल्स इनकम इट इज देयर एबिलिटी टू स्पेंड इज रिस्ट्रिक्टेड मतलब जो जेड शेप्ड रिकवरी है उसमें डिसरप्शन तो हुआ इकोनॉमी में बट वो बहुत कम पीरियड तक होता है और वो रिकवर बहुत इजीली हो जाता है इज ट्रू वी शेप्ड रिकवरी में इनकम एंड जॉब्स परमानेंटली लॉस्ट हो जाते हैं वो रिकवर नहीं होते एंड द ग्रोथ रिकवर्स ग्रेजुअली बहुत टाइम लगता है रिकवरी होने में यू शेप्ड रिकवरी में इकॉनॉमी आफ्टर फॉलोइंग स्ट्रगल रेट फॉर टाइम बिफोर राइजिंग ग्रेजुअली टू यूज लेवल तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है यूजली फिर वो ऊपर आएगी बट इट के रेसेशन आया डिफरेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी डिफरेंट ग्रोथ होगा रिकवरी होगा डिफरेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी रिकवर एट डिफरेंट रेट टाइम और मैग्निट्यूड हर किसी की रिकवरी अलग होगी सो यू हैव टू टेल इनमें से नॉट करेक्ट क्या है नॉट करेक्ट देखिए ये जो रिकवरी के जो भी शेप है ना ये एटली ये उस अल्फ़ाबेट को लेटर को रिप्रेजेंट करते हैं जैसे इकोनॉमी हमारी ऐसी चल रही थी है ना जेड शेप रिकवरी कैसे होगी कि इकोनॉमी ऐसे चल रही थी नीचे आई अचानक ऊपर जाएगी और फिर वापस वो गेंस पूरे रिकवर हो गए सो दिस इज जेड शेप्ड रिकवरी ऐसे क्विकली नीचे आई और इतना बाउंस करेगी कि ऑफसेट भी कर देगी जो लॉसेज हुए थे सो दिस इज जेड शेप्ड रिकवरी फिर वी शेप्ड रिकवरी होती है ऐसे इकॉनमी आ रही थी ब्लिप आया वापस तुरंत बाउंस बैक करेगी और फिर ऐसे आगे बढ़ जाएगी तो दिस इज वी शेप्ड रिकवरी यू शेप में इकॉनॉमी ऐसे चल रही थी नीचे आएगी ग्रेजुअली धीरे धीरे टाइम लेके फिर ऐसे ऊपर रिकवर करेगी फिर ऐसे जाएगी सो दिस इज यू शेप के शेप में क्या होता है इकोनॉमी रही थी कुछ सेक्टर्स तो ऊपर चले जाएंगे कुछ सेक्टर्स को बहुत टाइम लगेगा और आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इनका फिर मर्ज होगा ये तो दैट इज के शेप्ड तो जेड शेप्ड वी शेप्ड यू शेप्ड के शेप्ड ये वी शेप है ये गलत है रिकवरी ग्रेजुअली नहीं तुरंत होता है सो द द राइट राइट आंसर इज इज बी बी बिकॉज नॉट करेक्ट पूछा था तो ऑप्शन दिस ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव आजकल बजवर्ड बना हुआ है इकोनॉमी में रिसेंटली सीड इन द न्यूज इज लॉन्च बाय वॉट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या वर्ल्ड बैंक तो ये जो ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव है ना ये है डब्लू एफ डावोस का कि जो कोरोना वायरस रिलेटेड जो भी चैलेंजेस वगैरह आए हैं उसका हमें अब रीसेट करना है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को सो दिस इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्रेट रीसेट इनिशिएटिव ऑल राइट अब विद रेफरेंस टू द ग्रीन बॉन्ड्स बॉन्डसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ये ग्रीन बॉन्ड्स है ग्रीन कलर के हैं इट इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट उधार विद विच कैपिटल इज बीन रेज टू फंड ग्रीन प्रोजेक्ट ग्रीन बॉन्ड है ग्रीन प्रोजेक्ट द ग्रीन बॉन्ड्स हैव बीन क्रूशियल इन इंक्रीजिंग फाइनेंसिंग टू सनराइज सेक्टर सनराइज सेक्टर अब इसमें से करेक्ट क्या है इकोनॉमी में भी जैसे गवर्नमेंट की स्कीम होती है ना ऐसे इकोनॉमी में भी जो वर्ड्स की आते हैं ना उसका मीनिंग यूजुअली वो इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी बताती है जैसे सनराइज सेक्टर सनराइज सेक्टर वो होंगे जैसे सन का राइज हुआ अब धीरे धीरे इसका पीक आएगा तो सनराइज सेक्टर वो हुए जो अभी चढ़ाव पे है जिसपे अभी पीक आ रहा है नेक्स्ट बिग थिंग है सनसेट क्या है कि मतलब अब सन डाउन जा रहा है तो देट इज सनसेट यहाँ क्या है डेट इंस्ट्रूमेंट है ग्रीन प्रोजेक्ट ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं मतलब नेचर या फिर गो ग्रीन इस टाइप की चीजों को हम वहां पे एग्जीक्यूट करने के लिए डेट हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं तो वो ग्रीन बॉन्ड्स हो जाएंगे तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट्स एब्सोल्युटली ट्रू है बोथ वन एंड टू जी आई टेग ये फेवरेट है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ये क्या बताता है जोग्राफी की ये प्रोडक्ट है तो एक्सक्लूसिवली दिस जगह का ये प्रोडक्ट है जैसे कंदमाल हल्दी है तो वो जी आई टैग से पता चल जाएगा यहाँ की हल्दी है जी आई इज गवन बाय द डब्लू टी ओज अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डब्ल्यू टी ओ द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ geographical इंडिकेशन इन इंडिया इज valid फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years ओनली मतलब दस दस साल में उसको रिन्यू कराना पड़ेगा reconsider करना पड़ेगा जैसे बासमती का अभी लड़ाई हो रहा था बासमती राइस कहाँ का है GI so, this is tag टैग वगैरह सो दिस इज़ geographical इंडिकेशन टैग ये ट्रू है ये absolutely विद इन है ट्रिप्स के WTO agreement TRIPS एग्रीमेंट ट्रिप्स के यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन देन दस साल का इनका मैंडेट होता है उसके बाद फिर से इन्हें रिन्यू कराना पड़ेगा सो द राइट आंसर इज सी 21 अब हम आते हैं करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स का जो पहला टॉपिक है पहला सवाल है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अब सी वैसे तो वर्ल्ड में बहुत सारे अलायसेज बन रहे हैं इक्वेश बन रहे हैं हमारे एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट होता है वर्ल्ड करंट अफेयर्स जिसमें इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है तो कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप दैट एम्स टू प्रमोट द रिजाइलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिज़ास्टर रिस्क से दो डिजास्टर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे एक के बाद एक तो इसमें जो हमारा इंफ्रा है वो क्या हो रिजाइलेंट हो रिजायलियंस ऑफ इंफ्रा सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिज़ास्टर रिस्क हम इंफ्रास्ट्रक्चर न्यू डिटर्मिनिज्म टाइप फॉलो करे रिजाइलियंट बनाए कि वो विद डिजास्टर को विद कर पाए इट हैज़ बिन लॉन्च बाय द ब्रिक्स कंट्री ब्रिक्स ब्रिक्स में इंडिया है अभी इसका थर्टीन्थ कॉन्फ्रेंस इंडिया ने अभी देखा ब्रिक्स सो यू हैव टू टेल करेक्ट क्या है तो ये ब्रिक्स नहीं है ये है केवल ए ब्रिक्स इसलिए नहीं है बिकॉज ये जो था कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में इंडिया ने प्रपोज किया था कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रा दिस इज नॉट बाय ब्रिक्स सो द राइट आंसर हियर इज ए ओनली ए ओनली करेक्ट 22 व्हाट इज द कफाला सिस्टम माइग्रेंट वर्कर क्राइसिस देखा इंडिया से लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीपल यहाँ से पूरा जाते हैं कहाँ पे सऊदी अरेबिया में सऊदी अरेबिया में और यहाँ पे ये ब्लू कॉलर वर्कर्स ज्यादा है फ्रेमवर्क डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन माइगरेंट वर्कर्स एंड दे आर एम्प्लॉयर्स सिस्टम ऑफ ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू रिफ्यूजीज एग्रीकल्चर सिस्टम एक्सक्लूसिव टू मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ इंटर गवर्नमेंटल एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट तो ये जो कफ़ाला सिस्टम है ये जो इंडिया से माइग्रेंट्स जा रहे हैं यहाँ पर तो इनका कई बार जैसे पासपोर्ट ले लिया जाता है और जिसके पास ये नौकरी करने गए वो इनकी गारंटी देता है सो दिस इज़ कफ़ाला सिस्टम फ्रेमवर्क डिफाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन माइग्रेंट वर्कर्स एंड देयर एम्प्लॉज सो द राइट आंसर हिस्सर इज ए राइट आंसर हिस्सर इज एकेक्स्ट वॉट इज मेजर्ड बाई दिस ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या मेजर करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय फूड ग्लूकोज आर्टिफिशियली फूड में कितना एड किया ताकि हम बता दें कि एडल्टरेशन वगैरह तो नहीं है प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड क्रॉप पर सीड सोड प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं ज्यादा प्रोडक्टिविटी आए सीड से या फिर नन ऑफ द अबॉव इनमें से कुछ भी नहीं सो द राइट आंसर इज इज दिस अबाउट डायबिटीज तो ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ये बताता है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बड़ा बिकॉज ऑफ दिस फूड सो द राइट आंसर ईयर इज एल राइट नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन हॉर्स एक मूवी आई थी ना ट्रॉय उसमें घोड़े के अंदर सैनिक इन्होंने अंदर भेजे थे ताकि वो वॉर जीत पाए ट्रोजन हॉर्स ट्रोजन इज अ मेलेशियस प्रोग्राम दैट प्रिटेंड्स टू बी हार्मलेस इन ऑर्डर टू ट्रिक यूजर इन टू डाउनलोडिंग इट ट्रोजन सेल्फ रेप्लीकेट बाई इन्फेक्टिंग अदर फाइल्स और कंप्यूटर्स तो पहला जो है उसमें क्या है कि ट्रोजन हॉर्स है जैसे ट्रॉय में इन्होंने हॉर्स केस में एज अ गिफ्ट भेजा था तो वो हार्मलेस लग रहा था मेलिशियस था बट वो हार्मलेस लग रहा था सो so दैट उसको एंट्री मिल गई इस बैरियर से डाउनलोड कर लिया अंदर जाते ही ट्रोजन हॉर्स ने अपने ट्रू कलर्स शो करना स्टार्ट कर दिया सो दिस इज ट्रू ट्रोजन इज अ मेलिशियस प्रोग्राम दैट प्रिटेंड्स टू बी हार्मलेस इन ऑर्डर टू ट्रिक यूजर इन टू डाउनलोडिंग इट एब्सोलुटली ट्रू बट ये जो डेफिनेशन है ना ये डेफिनेशन तो वायरस की है वायरस क्या करता है खुद को रेप्लीकेट करता है बर्डन करता है जैसे कोविड वायरस भी यही करता है

मित्र शक्ति वो इंडिया और श्रीलंका के साथ है वरुण वरुण मतलब पानी होता है पानी इंडिया और रशिया ने नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में सो टू इज रॉन्ग टू इज रॉन्ग मतलब दिस इज रॉन्ग थ्री तो करेक्ट था ही तो ये गलत ये गलत अब थ्री करेक्ट है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा बट वन एंड थ्री राइट हो जाएगा तो हमें ये भी नहीं पता ना तब भी हम बता सकते हैं वन एंड थ्री इज द राइट ऑप्शन सो द राइट आंसर हियर इज बी ऑल राइट